दुख दूर होते हैं, सुख भी मिलते हैं, देवता भी मिलती है, देवताओं की विद्या भी मिलती है, मोक्ष भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, प्रेम भी मिलता है। अब आपने इसमें क्या लेना है, आपने केवल उस खान में से खाली हाथ आना जाना है कि हिरकनी लेके आनी है कि हीरा लेके आना है, तो आपने इस तरीके से हमें ज्ञान की जरूरत है। ईश्वर से संतान मिलने के बाद क्या लिया जाए, ईश्वर से प्रेम कमाया जाए। इसी दृष्टांत को आगे चलाते हुए भगवान दर्पण करते हैं, इतना लाभ जानो, इतना ईश्वर का महत्व पता लगने के बाद भी एक जीवात्मा अल्प प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाता है। उसके लिए दृष्टांत दिया है, तांडी बुनने वाला जो करगा बनाते, जो बुनकर है, बुनकर को दान दिया। आजकल तो मशीन है ना धागे बुनने की, तो मशीनें नहीं थी, तांडी बुनने का, धागे बुनने का एक लकड़ी का करगा तैयार किया जाता था, बुनकर तैयार करता था। करगा टूट गया, अब करगा बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, लकड़ी चाहिए, तो किसी वृक्ष से नीचे गया, वृक्ष से नीचे खड़ा हो गया, वृक्ष इधर देखा, कहता ये है ना वो सीधी संरचना नहीं है, इसका करगा बन जाएगा। इतना कहते ही क्या हुआ, वो टैनी वो डाल नीचे गिरा, देख चल पड़ा, जैसे चल पड़ा पीछे से आवाज आई, वृक्ष बोल पड़ा, क्या बोल पड़ा, अगर मैं तो कल्प वृक्ष हूं, जो चाहे मांग ले, मैं सादा सुधा वृक्ष नहीं हूं, मैं कल्प वृक्ष हूं, जो चाहे मांग ले कुछ हो, क्या मांगे इसने, कहते आप देने चाहते हो ना एक लकड़ी और दे दो, जो ये कल फिर टूट जाएगा, फिर लकड़ी काम आ जाएगी। कल वृक्ष दोबारा कहा, अरे भाई लकड़ी मिल गई तुझे, और कुछ मांग ले, नहीं मैं और कुछ नहीं मांगना चाहता, मुझे लकड़ी दे दो। एक भगवान कहते हैं हर जीवात्मा को ईश्वर से क्या मांगना है, मांगने ज्ञान देना चाहिए। ये दुष्टांत महाराज ने कराशी के ब्राह्मण के प्रति बताया, तथा गोराईसर आपकी भक्तानी थी उसके प्रति बताया। कराशी में क्या हुआ, एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण पर महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए उसकी सेवा से। महाराज एक ब्राह्मण कुछ मांग ले, कुछ मांग ले, महाराज क्या मांगो, नहीं मैं तेरे पर प्रसन्न हो चुका हूं, कुछ मांग ले। बूढ़ा ब्राह्मण था, क्या मांगा, सुनो क्या मांगा, महाराज मैं बहु रानी के हाथ से दही चावल खाऊं, ये मांगा। भगवान ने कहा ये तो कुछ दिनों बाद तेरे कर्मों में लिखा है मिलने वाला है, कुछ और मांग ले। जैसे वृक्ष ने कहा ना तेजिस मिलेगी लकड़ी मिलेगी, कुछ और मांग ले, नहीं नहीं मुझे लकड़ी दे दो कुछ नहीं चाहिए। इस तरह महाराज कह रहे हैं बहु के हाथ से दही चावल खाने वाली बात है तो मिलने वाली है, कुछ और मांग ले, नहीं महाराज मुझे यही चाहिए। महाराज कहते हैं क्या मांग रहे हो, ईश्वर प्रसन्न हो जाए तो क्या ये संसार की चीजें मांगनी चाहिए, ईश्वर प्रसन्न होने के बाद तो भगवान का प्रेम ही मांगना चाहिए, मालूम है अपना प्रेम दो। और ब्राह्मण महाराज कहते कितना होशियार है मांगने में, क्या मांगा, सेंटेंस एक ही है, एक ही वाक्य है, बहु रानी के हाथ से दही चावल खाऊं। अब उसके घर बेटा भी नहीं था, बिना बेटे से बहू कैसे आ जाएगी, बेटा होगा तो बहू आएगी ना, मतलब उसने बेटा भी मांग लिया, बेटा भी दो, फिर शादी होगी तो बहू भी दो, बहू रानी के हाथ से दही चावल खाऊं, दही चावल झुपड़ी वाले घर में दही लस्सी चावल तो नहीं मिलेंगे, मतलब साथ पैसे भी मांग लिया।
चावल में अनाज भी मांग लिया, और जिनके घर में गाय भैंसी होगी उसे दूध दही अच्छा मिलेगा, साथ में जानवर भी मांग लिए। क्या नहीं मांगा इस एक वाक्य में? संसार की कौन सी चीज छोड़ दी? बोले कहते हैं ये संसारी चीज मांगने के लिए मैंने नहीं कहा, वो तो मैंने आपके कर्मों के अनुसार मिलनी मिलनी है। क्यों बेसब्री बनते सब्र मांग लो, मिलेगा मिलेगा, परंतु इसके सिर्फ से और मांग लो ना। नहीं महाराज भी यही चाहिए। अब महाराज भी क्या करें, आप कहते हमें यही चाहिए, चाहिए ही नहीं तो महाराज क्या करें? इस दर्शन की हम ये सीख है कि हमने ईश्वर प्रसन्न होने के बाद क्या मांगना है? प्रेम मांगना है, मांगना भी आना चाहिए। देवती नाम की भक्तानी है, उसके प्रति महाराज ने चार वचन निरूपण किए हैं। चारों वचन एक ही श्रृंखला में और देवती को ही निरूपण किए हैं। क्या क्या महाराज? देवती मैं नाथ हूं, परंतु किसका नाथ हूं? जीवे अनाथा हुआ भी जो अनाथ बन के आएगा ना उसका नाथ हूं, नाथों का नाथ नहीं हूं, अनाथों का नाथ हूं। दूसरा वचन है देवती मैं दानी हूं, परंतु किसका? जो मैं सब मांगेगा उसका। तो क्या मांगना है? मैं सब दे सकता हूं। मांगना क्या है? प्रेम मांगो, प्रेम दो। ये तुम्हारे हाथ में क्या मांगना है? हमने संसारी नश्वर चीजें ना मांगकर उस ईश्वर को प्रेम मांगना है। तीसरा वचन बताया देवती मैं कृपालु हूं, कृपा सागर हूं, परंतु किसके लिए? जो मेरी कृपा का पात्र बनेगा उसके लिए। जो मेरी कृपा का पात्र नहीं बनेगा, मेरे क्या नहीं मानेगा उसके लिए मैं कृपा सागर कहां से बन जाऊं? चौथा वचन बताया देवती मैं वज्र बंजर हूं, संकृष्ट वज्र बंजर पढ़ते ना, मैं वज्र बंजर हूं मतलब आपको सुरक्षा कवच हूं, परंतु किसका? जो मेरे शरणी आएगा उसका, जो शरणी आए ही नहीं उसका सुरक्षा कवच कैसे बन लो? जो मेरी कृपा का पात्र बनेगा उसी की देव कृपा सागर हूं। कुछ कहना तो माना जाए, ताजी तो आतिश बचती है। भिंगार की घटना है, समुद्र का दृष्टांत भी भगवान ने खेल के प्रति भिंगार में बताया। उस भिंगार की घटना है, एक मां के दो बेटे, एक पागल एक दिन पागल, दोनों को मां ले आई महाराज के पास। एक का नाम है भाई देव, एक का नाम है लखु मिया। भगवान इन दोनों बच्चों को सुधार दो, दोनों बच्चे खराब है, एक पागल है एक दिन पागल है। एक का नाम है लखुमिया, एक का नाम है भाई देव। लखुमिया का महाराज ने बुलाया, लखुमिया इधर आ। नहीं आता महाराज। महाराज तू कौन, तेरा नाम बता। वो कहते तू कौन, तेरा नाम बता। महाराज को पीछे दौड़ते हैं, पकड़ भी लेते हैं, पीठ पर बैठ जाते हैं। बता तू कौन है? अरे बता तू कौन है? महाराज ने मां को बुलाया, माता इस बच्चे को ले जाओ, इस बच्चे का तो इस जन्म में मैं भी सुधार नहीं कर पाऊंगा, ये तो ले जाओ। दूसरे बच्चे को बुलाया भाई देव, भाई देव इधर आओ। अच्छा जी, छोटा था। भगवान ने कहा इसका मैं सुधार कर दूंगा। उसे भगवान अपने पास बिठाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना भी अपने पास। छोटा था, रात में पेशाब आ जाए, बाथरूम आ जाए, भगवान ने इसको साथ ले जाना। पेशाब की बूंदे भी भगवान की श्री मूर्ति पर आ जानी, पड़नी, गिर पड़नी, तो भी महाराज ध्यान करना, तो कोई बात नहीं, बच्चा है। जब बच्चा बड़ा हो गया तो भाई देव जंगल में जाता था, देखता बेर लगे हुए, बेर तोड़ता था, खा के देखता था। जो मीठे मीठे बोर थे वो बाहों में ऐसे भर लेता, छुपा लेता, खट्टे खट्टे बेर कोड़े कोड़े बोर फेंक देता। मीठे मीठे बेर लाकर आके बैसे के पास दिए, ये महाराज की सब्जी बनाओ, महाराज की पेगी लाओ। बहन ने कहा जूठे बेर करते महाराज, मगर भाई
इसका भाव देखो, ये इसका भाव सुच्चा है, अच्छा भाव है, पवित्र भाव है। इसने एक ही बेल आधा थोड़ा सा खा के देखा है, मीठे मीठे बेल लाया है, ये मैं खाऊंगा, मुझे वैसे भी तो खाने के लिए दोगे और सब्जी भी बनाओ। उस भाई देखो तो कल्याण हुआ। और जो दूसरा आया था उसको सुधार पालन नहीं करता। कहने का मतलब भगवान कहते मैं कृपा सागर हूं, परंतु मेरी कृपा का पात्र बने सही, मैं आवाज लगाता हूं तो कोई आए सही मेरे पास, अब एक कदम खड़े हो जाओ मैं आप खींच लूंगा, एक कदम तो उठाओ। इसलिए हमने ब्रह्म ज्ञान सुनकर उसके मुताबिक आचरण करना है। और क्या मांगना महाराज से? प्रेम मांगना है। याद रखना औसा नाम की भक्ता भी थी जिसने ईश्वर धर्म में प्रवेश करने से पहले नाथपंथ की थी। एक दिन उसका सपना हुआ तो गंगा तीर चली जा तुझे पारस मिलेगा, ढूंढते 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 सपने के अनुसार जिस गांव में भगवान का निवास है उस गांव में आई, भगवान से मिलाप हुआ, वार्तालाप हुआ, दर्शन किए, संध्या में रहने लगी, ज्ञान प्राप्त किया, संन्यास भी लिया। महाराज एक प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं सर कुछ मांग दे। जी महाराज मुझे मांगना नहीं आता। अरे मांग दे कुछ, कुछ तो मांग। महाराज देने चाहते हो ना, इन्हीं आंखों से इसी शरीर में भगवान श्री जी की घनश्याम मूर्ति और आपकी चांपेगोर मूर्ति मुझे हमेशा की दिखती रहे। भगवान ने भी कहा मैं क्या तो बैठू मांगने अब, तथा यदि बता उस माई को इसी शरीर में इन्हीं आंखों से भगवान श्री कृष्ण जी की घनश्याम मूर्ति और स्वामी श्री चित्रदास जी की चांपेगोर मूर्ति दिखती रही, ये मांगो ना। साधो को महाराज ने कहा साधा कुछ मांग रहे मेरे से? महाराज मांगना नहीं आता। अरे जो मैं आएगा मांग रहे, क्या मांगा? महाराज मुझे पुनः संबंध दे दो। पुनः संबंध मतलब इसी जाने के बाद आपको दर्शन दो, आप ज्ञान दो, सन्निधान दो, प्रेम दो, आपको संबंध दो मुझे। महाराज कहते हैं मांगना नहीं आता तो ये मांग लिया, और मांगना आता हो तो क्या मांग लेते, तथा मिलेगा। कहने का मतलब ये घटना ये लीलाएं आप सामने इसलिए रखी है, हमने कर्मों के अनुसार हमें जो मिलना है हम बेसब्री होते हैं, ईश्वर देने वाला है मिलेगा, परंतु असली मांग ये है भगवान से अपने जीवों का जीवात्मा का उद्धार करने के लिए क्या मांगो? ज्ञान मांगो, भक्ति मांगो, प्रेम मांगो, ये असली मांग है। उसके बिना जीव को उद्धार नहीं होगा। दृष्टांत पाठ के आरंभ में पहला वचन था उद्धरण दे मनुष्य अवतारे चाहते, उद्धार मनुष्य अवतार ही करते हैं, परंतु उस मनुष्य अवतार से हमने अपना उद्धार हो इसलिए क्या मांगना है? प्रेम मांगना है। प्रेम मांगोगे तो प्रेम मिलेगा। भगवान कहते हैं कोरा जीवास आग्रह ना है, आग्रह जब हो तब परमेश्वर ज्ञान या प्रेम देते। क्या मतलब इसका सोचन का? भगवान कहते जीव के पास आग्रह नहीं है, जिद नहीं है, जिद अगर हो तो प्रेम भी दे दो। मुझे महाराज प्रेम दो, ऐसे जिद करो ना, रोज मांगो ना महाराज प्रेम। जब प्रेम नहीं मिलता, श्वास नहीं मिलता, तब मांगते ही रहो, कैसे नहीं मिलेगा? श्री नागदेवाचार्य ने भगवान का एक बार पल्ला पकड़ लिया, महाराज प्रेम तो दो, प्रेम मुझे जब मिलेगा तब कम से कम कह तो दो मैं दूंगा प्रेम। भगवान को नागदेव जी जिद देकर अपने श्रीमुख से कहना पड़ा तथास्तु प्रेम दूंगा। इस आवाज को प्राप्त करने के लिए भगवान के श्रीमुख से हमें प्रेम मिले ये प्राप्त करने के लिए उतनी जिद चाहिए। हम जिद करते हैं संसारी चीजों की, ये जिद हो ईश्वर प्रेम की, प्रेम क्यों नहीं मिलेगा? प्रेम मिलेगा, परंतु हमें प्रेम मांगने का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होने के बाद उस श्रद्धा से अगर प्रेम मांगेंगे, ये नहीं कि एक दिन मांगा नहीं मिला, बार बार मांगो।
एक माँ का छोटा बच्चा कुछ मांगता माँ से, माँ 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 ये दे मुझे, ये चीज भी लेते, अच्छा कल दूंगी, कल मांग रही है परसों दूंगी। एक बार बच्चे मांग पल्ला पकड़ लिया, माँ दे पल्ला नहीं छोड़ोगे तब तक, जब तुम ये चीज देख ली देते तब तक पल्ला नहीं छोड़ूंगा। आखिर माँ को चीज बच्चे को लेकर देनी ही पड़ती है। इसी तरीके से बोलोगे तो मेरा पल्ला पकड़ लो, जब तक मैं आश्वासन नहीं देता कि फिर दूंगा ना छोड़ो मुझे। हम तो कहते बार बार प्रेम दे, दिया तो ठीक ना दे ठीक, अगले जन्म से ही ये आलस नहीं करना, हमें जिद करनी है और जिद से ही ईश्वर का प्रेम मांगना है। तो इस तरीके से ये दृष्टांत सुनकर इन दृष्टांतों की सीख है कि आपने ईश्वर से क्या मांगना है, प्रेम मांगना है। इस तरीके से आज तक 11 दृष्टांत। Thank you.